तो JEE 2024 के स्टूडेंट से डिस्कशन चल रही है आजकल, और हमने एक वीडियो बनाई भी थी पिछले वीडियो, जिसमें हमने आपको बहुत ही प्यारी सी स्ट्रेटजी बताई थी। तो बताइए कमेंट करके कि आप क्या उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं देखी है, नहीं कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जस्ट पहले वाली वीडियो। आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, है ना। सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है JEE एस्पिरेंट्स का, 11th क्लास के बच्चों में स्पेशली, कि भाई बुक्स कौन सी सॉल्व कर रहे हैं ना, बुक्स बता दो जिनसे बहुत अच्छी रैंक आते हैं। तो बताते हैं बिल्कुल, चार किताबों का नाम हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स और एक इन जनरल बुक की हम बात करेंगे। दो तीन और बुक्स भी बता दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बुक्स की हम आज बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे 2024 JEE के लिए, जब तक आपका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता JEE एडवांस में, तब तक आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आता रहेगा। और कमेंट करके थोड़ा बताइए भी कि कौन से IIT में एडमिशन लेंगे, क्या करना चाहते हैं लाइफ में आगे, है ना। थोड़ा आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी पता चलेगा। और हमारा JEE 2024 प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी चलता है, जिसपे 21 अक्टूबर तक आपको 50% डिस्काउंट ऑलमोस्ट मिल रहा है, अप टू 50% मिलेगा। इस कोर्स में सब कुछ है जो तुम्हें JEE प्रिपरेशन के लिए चाहिए। मैं खुद रैंक 1 लाया हुआ हूँ JEE के अंदर, JEE मेन में फुल मार्क्स रहे थे अपने, और काफ़ी कुछ पता है एग्जाम के बारे में, जो आपको इस वीडियो से पता चल भी जाएगा। तो ये सारा एक्सपीरियंस यूज़ करके एक बहुत ही प्यारा सा कोर्स डिज़ाइन किया आपके, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप भी कोचिंग वगैरह में पीछे चल रहे हैं, बैकलॉग्स वगैरह आ गई है, डिफिकल्टी हो रही है, तो इसको कंसिडर डेफिनेटली करना, डिस्क्रिप्शन में जाके 21 अक्टूबर या उससे पहले लीजिएगा फॉर द बेस्ट प्राइस, ओके। तो चलिए बात करते हैं यार बुक्स। तो सबसे पहली बुक फिजिक्स में जो मैं कहूँगा, HC वर्मा। मुझे पता है बहुत ऑब्वियस नाम हो गया ये, मैं काफ़ी ज़्यादा HC वर्मा का भक्ति कर चुका हूँ इस चैनल पर, लेकिन यार ये बुक सही में बहुत अच्छी है। दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड बुक, है ना। सब लोग ले लेते हैं, सब लोग को पता है HC वर्मा, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन चीज़ मैंने देखी है कि सब लोग HC वर्मा ले लेते हैं और पढ़ते ही नहीं उसको फिर बैठ के। HC वर्मा इज वन ऑफ द, इफ नॉट द बेस्ट JEE प्रिपरेशन बुक रिटन इन हिस्ट्री। कई लोग इसकी उड़ाते हैं कि अरे यार ये इतनी अच्छी लेवल की नहीं है। भाई ये है बहुत अच्छे लेवल की, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किसी और किताब में नहीं। मैंने फिजिक्स की बहुत किताबें पढ़ी हुई है, ठीक है, स्कूल कॉलेज वगैरह सब मिला के आई हैव स्टडी टेंस ऑफ फिजिक्स बुक्स, एंड भले वो अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, भले हाई स्कूल लेवल हो, भले इवन ग्रेजुएट लेवल हो, ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा वेल रिटन बुक मुझे आज तक नहीं मिली है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, स्पेशली अगर सेल्फ स्टडी करते हो। सेल्फ स्टडी करते हो तो इससे बढ़िया कुछ रिसोर्स है ही नहीं, और इवन कोचिंग भी जाते हो और अगर आपको कॉन्सेप्चुअल इश्यूज आ रहे हैं, इस बुक की रीडिंग डेफिनेटली करनी चाहिए। बुक में प्रॉब्लम्स का स्तर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल से शुरू करके काफ़ी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स भी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की और ज़रूरत रहती है बुक को करने के बाद, लेकिन फिजिक्स में मैं रिकमेंड करूँगा कि HC वर्मा हर बच्चे को करनी चाहिए, हर एक बच्चे को करनी ही करनी चाहिए। ये बुक इतनी प्यारी बुक है, ठीक है। तो कोचिंग का मटेरियल हो जाए उसके बाद इस बुक पे डेफिनेटली जाओ, बहुत शानदार बुक है। आई डोंट थिंक मैं इसकी इनफ तारीफ कर सकता हूँ, इतनी प्यारी बुक है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑनलाइन आपको इसके सॉल्यूशंस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं यूजली, तो उस वाली चीज़ का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। काफ़ी पॉपुलर है, तो जो टेस्ट ऑफ टाइम होता है वो इस किताब ने झेला हुआ है, राइट, इसको चेक कीजिएगा। सेकेंड बुक जो मैं कहूँगा, जो थोड़ी अननोन बुक है, मेरे टाइम पे थोड़ी नोन थी, मैंने 2017 में एग्जाम दिया था, अब थोड़ी अननोन हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। एक बुक आती है पी बहादुर नाम करके, ठीक है, पी बहादुर नाम करके एक बुक आती है, बहादुर, ठीक है। ये बुक, इसमें एक बुक आती है थ्योरी वाली, एक बुक आती है प्रॉब्लम्स वाली, आपको प्रॉब्लम्स वाली देखनी है, ठीक है। तो थ्योरी तो अपनी कोचिंग से या जहाँ से भी पढ़ने पढ़ लीजिए, फिर इसमें प्रॉब्लम्स के लिए आप इस बुक पर जाइएगा। इस बुक के अंदर बहुत तरह की वैरायटी है, सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव सब कुछ है, एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी हैं ओलंपियाड वगैरह या JEE एडवांस एंथुसियास्ट के लिए। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, इसको आप डेफिनेटली करिएगा। थोड़ी सी लेस नोन बुक है, आजकल लोग दूसरी किताबें ज़्यादा प्रेफर करते हैं फिजिकल में, लेकिन मैं हमेशा से ऐसी बुक का फ़ैन कम रहा हूँ जो पब्लिकेशन रिलेटेड रहती है, कि XYZ फॉर JEE। हालांकि ये बुक भी उस तरह की है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो काफ़ी वैरायटी और बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक इसमें फिजिकल का मिल जाता है, क्योंकि फिजिकल में प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो इसमें इवन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो इसको आप देख सकते हैं। मैथ्स में एक बुक जिसका अगेन बहुत ज़्यादा भक्ति कर चुका हूँ यूट्यूब पर ऑलरेडी, A. दास गुप्ता नाम करके एक बुक आती है मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स के अंदर यूजली मैं कोई बुक रिकमेंड करता ही नहीं हूँ किसी को, क्योंकि कोचिंग का मटेरियल मैथ्स का सबसे अच्छा होता है। मैं JEE मेन के अंदर 120 आउट ऑफ 120 और JEE एडवांस में 118 आउट ऑफ 120, हाँ 120 या 22 था, ऐसा कुछ था, इतना स्कोर में लाया था JEE मेन JEE एडवांस मैथ्स के अंदर, ठीक है। केवल कोचिंग का मटेरियल करा था मैंने 10%, ठीक है। A. दास गुप्ता मैंने करी थी थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं नहीं करी थी, मैं तभी रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा मेरे को याद नहीं मैंने किसी और कोचिंग का या किसी और
ऑथर का या ऐसी कोई बुक वगैरह लगाई हो? फिजिक्स में बहुत सारी की थी, केमिस्ट्री में भी इस तरह की बहुत बुक्स की थी, लेकिन मैथ्स में मैंने प्योरली अपनी कोचिंग की शीट पे रिलाई किया था कि कोचिंग की शीट होती अच्छी है यार। देखो जेई के अंदर आपको बहुत ही कम बुक्स मिलेंगी जो आपको सिखा सकती है मैथ्स जैसे आप वो कोई टीचर सिखा सकता है, राइट? तो टीचर पे ही रिलाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये सोर्स है, ठीक है? क्योंकि जे एडवांस में आपका दिमाग आपका खुलना चाहिए, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना आना चाहिए, और वो बहुत कम बुक सिखाती है। इस बुक में उस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको फोर्स करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने पर। इसमें स्पेशली एल्जेब्रा वाला और कोऑर्डिनेट वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ठीक है? कुछ पोर्शन इसके जैसे पी एंड सी वाला पोर्शन इतना अच्छा नहीं है, तो सब पोर्शन अच्छे नहीं, लेकिन कुछ पोर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे बुक के सॉल्व कीजिएगा। इस बुक का एक आई थिंक एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे एदास गुप्ता के सॉल्यूशंस पब्लिश होते हैं, मतलब वो पूरा चैनल ही इसीलिए बना हुआ है, वहाँ पे एदास गुप्ता के सॉल्यूशंस पब्लिश होते हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? उस बंदे ने मेरे को बहुत शाउट आउट भी दिए हुए आई गेस एक वीडियो में, मैं भी उसको शाउट आउट देता हूँ क्योंकि मैंने ये सेम चीज़ पिछले साल भी बनाई थी 2022 या 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए, तब भी मैंने उसको शाउट आउट दिया था, फिर उसने मुझे एक और शाउट आउट दिया, ऐसा हमारा चलता रहता है भाईचारा। तो ये चैनल आप चेक करिएगा, बहुत अच्छा एक है और बुक भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। और लास्ट बुक जो आप लोग सब लोग वापस से इग्नोर करते हो वो है आपकी NCERT। मैं तो बता रहा हूँ दुनिया में सबसे इग्नोर्ड किताबें अगर कोई है ना, एक HCV, एक NCERT और कोचिंग की किताब। इनके अलावा बच्चा हर चीज़ कर लेगा, हर पब्लिकेशन की हर ऑथर की किताब बच्चा लगा लेगा, लेकिन वो ये और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप केवल NCERT कोचिंग का मटेरियल और HC वर्मा कर लेते हैं, केवल इतना कर लेते तुम 99.99% एस्पिरेंट से आगे हो सच में, ठीक है? NCERT इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बोर्ड्स में हेल्प करती है। इससे ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्चुअली रिटन बुक बहुत ही रेयरली मिलती है। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं तो शायद ये भी मानता हूँ कि NCERT के जो थ्योरी का लेवल है, जो रिटन क्लैरिटी है, हाँ कुछ जगह पर क्लियर नहीं है वो, लेकिन जो लेवल ऑफ थ्योरी उसमें दी गई है, जिस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिए गए, इट इज़ ऑलमोस्ट एज मच एज और इवन बेटर देन HC वर्मा, ठीक है? इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन और थ्योरी NCERT का है, तो वो आपको बोर्ड्स में हेल्प करेगी। जेई मेन का लगभग 60-70% पेपर डायरेक्ट NCERT से उठ के आता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसा भी आप मानो। कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली नॉट डूएबल होते हैं NCERT की मदद से, बट स्टिल काफ़ी बड़ा वेटेज ऐसा होता है कि अगर आपने NCERT प्लस PYQ प्लस थोड़ा सा दिमाग अपना चला लिया आप पेपर करके आ जाओगे, राइट? जेई एडवांस में डायरेक्टली क्वेश्चन उस लेवल के नहीं आते, लेकिन इवन देन काफ़ी सारी चीज़ें NCERT से डराइव होके ही आती हैं। तो प्लीज़ NCERT रीड किया करें, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि देखिए आप जब कोचिंग में कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो कोचिंग वाले बहुत ही बिट्स एंड पीसेस तक की पढ़ाई कराते हैं, मतलब वो आपको चीज़ें समझा देते हैं लेकिन उनका इंटरकनेक्शन यूजली समझ नहीं पाते। अगर आप बुक रीडिंग करते हो ना तो वो चीज़ें एकदम आपके फॉल इन प्लेस होती है। और NCERT से अच्छा रिसोर्स है नहीं रीडिंग के लिए, क्योंकि ये सब किताबें ज़्यादातर देखिए आप प्रॉब्लम वाली किताबें ज़्यादा है, ओके? थ्योरी के लिए मैं बुक्स अनलेस आप फॉरेन ऑथर की रीड करो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडियन ऑथर्स की जो जेई ओरिएंटेड थ्योरी होती है वो बहुत ही अजीब सी ही होती है, बिल्कुल कुछ समझ भी नहीं आएगा, राइट? तो अब फॉरेन ऑथर्स की बुक तो रीड मत करो, थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है। बेटर क्या है कि तुम अपनी कोचिंग वगैरह से नॉर्मल पढ़ाई कर लो, तुम्हें क्वेश्चन करने तो इन किताबों से कर लो, थ्योरी जरनी है तो NCERT से कर लो, बस। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे 100 तरह की किताबें और बच्चे बोलते हैं कि अरे इरोडो क्रोटो एक्सपायर्ड पब्लिकेशन बुक्स फॉर जेई, इस तरह की 100 तरह की बातें लोग करते हैं। मैं कहूँगा कि देखो वो सब चीज़ें इतनी कोई नेसेसरी नहीं है, आप ये सब करो, ये सब भी बहुत ज़्यादा बता दिया, ठीक है? ये सब करके AIR 1 तक तुम्हारी आ जाएगी, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, AIR 1 तुम्हारी सच में आ जाएगी। क्योंकि मैंने खुद अपनी जेई प्रिपरेशन में मेनली यही चीज़ें की थी मेरी कोचिंग के अलावा, ठीक है? कोचिंग ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, कोचिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, वो सबसे पहली बुक है तुम्हारी, वो सबसे पहली बुक कोचिंग की बुक ही है, ठीक है? उसके बाद इन सब पे आना है। तो ये सब जो बाकी चीज़ें हैं इरोडो क्रोटो ये वो, ये करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरे को याद है कि मेरा जब जेई में 8-9 महीने बचे थे तो मैंने एक बुक आती है पब्लिकेशन की जिसमें 6 बुकों का सेट आता है, ठीक है? एक्सपायर्ड एक पब्लिकेशन है जिसका 6 बुकों का सेट आता है मैथ्स में। मैंने सोचा रहा हूँ मैथ्स लगाते एकदम, मैंने बुक मंगाई नई की नई अभी तक पड़ी हुई है, ठीक है? मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आपको लगता है स्पॉन्सर किया, इन्होंने कवर ही चढ़े हुए हैं अभी तक, बिल्कुल ख़राब ही नहीं हो। ख़राब इसलिए नहीं कि मैंने पढ़ी नहीं थी वो बुक, राइट? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुपरफिशियस मतलब सुपरफ्लुअस हो गई थी, मतलब मैंने यहाँ से और मेरे कोचिंग के मटेरियल से वो चीज़ ऑलरेडी मुझे आती थी, तो ज़बरदस्ती इस बुक को पढ़ने का कोई सेंस नहीं बन रहा था, राइट? तो अगर आप अच्छी कोचिंग वोचिंग जाते हो
कोई जरूरत नहीं है इस तरह की बुक्स लेने की, ठीक है। केवल एक बुक है जो इस तरह की आपको लेनी है, वो एचसीवर में, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। इरोडो क्रोटो वगैरह ओलम्पियाड वगैरह जिस बच्चे को लगाने की जरूरत है उसको पता है उसको लगानी है और कब लगानी है, ठीक है। उसको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने की। तो अगर आपको नहीं पता है कि मुझे इरोडो लगानी लगानी है तो मैं नहीं लगानी है, ठीक है। इतना करो, खुश रहो, बहुत बढ़िया करके आओगे। अच्छा हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि एक पीवाई की उसकी बुकलेट्स आती हैं, ठीक है, जेई मेन एंड जेई एडवांस, वो आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। वो आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, उनको आप रेफर करते जाओ कि भाई जेई में पहले कैसे सवाल आते थे, राइट। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस बुक एज वेल। तो ये सारी बुक्स मैंने आपको बता दी, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी एक बुक मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा एक रिसोर्स मैं बताता हूँ जिसमें आपको इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। आप चुपचाप जाइए डिस्क्रिप्शन में, जेई 2024 का हमारा जो अल्टीमेट कोर्स है उसमें एनरोल हो जाइए। इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ पढ़ाया गया है जेई के लिए, जो भी चाहिए सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा एक ही जगह पर। तुम्हें कोई बुक कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक चीज़ कर लेना, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। इसमें सबसे पहले मैंने भी पढ़ाई करी है आपकी, तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर, एक हमारे लेक्चर्स होते हैं जिनको हम बैकलॉग लेक्चर्स या कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बोलते हैं, जहाँ पे आपको पूरे चैप्टर को बहुत ही समराइज्ड वे में, बहुत ही टू द पॉइंट वे में सिखा दिया जाता है कि भाई ये चैप्टर में इस तरह की चीज़ें आती है, इस तरह से सवाल होते हैं, ताकि वह बच्चा ऑन ट्रैक आ जाए। फिर हमने क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस के सब कुछ दिया है, और फिर आपको हमने एडवांस लेवल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जिससे आप उस नॉलेज को जो बेसिक है उसको जेई एडवांस लेवल तक लेके जा पाएँ। तो स्पेशली अगर आप ऐसा है कि आप अपनी कोचिंग में बहुत पीछे चल रहे हो, आपकी रैंक नीचे है, आपकी बैकलॉग्स आ गई, आपके फ्रेंड्स आपसे बेटर कर रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन स्पेशली है तो हमारा प्लेटफॉर्म स्पेशली इन बच्चों को टारगेट किया। देखो ज़्यादातर कोचिंग टॉपर्स के लिए बनी होती है कि भाई जो बच्चा टॉपर है उसको सिखाते जाओ, उसकी फर्स्ट रैंक आएगी, हमारी मार्केटिंग होगी, हमारा बढ़िया कोर्स चलेगा, वो लोग इसलिए पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि यार जो बच्चा नॉर्मल है, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है इस सब में, उसको कैसे हम सिखा सकते, उस अप्रोच से बना हुआ है, तो ये तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। बैकलॉग क्लियरिंग हो गई, रिवीजन हो गया, टेस्ट प्रैक्टिस, डीपीपी, स्पीड इंक्रीजन, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा 21 अक्टूबर या उससे पहले देखना भाई, ठीक है, क्योंकि उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगी। मैं नहीं चाहता आप लोग ज़्यादा पैसे खोलो अपने, राइट। सबसे कम प्राइस में आप इसको बुक कर लीजिएगा 21 अक्टूबर या उससे पहले। कई बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे मुझे डीएम वगैरह में कि आप डिस्काउंट वगैरह कब लोगे चॉइस के लिए, तो लेके आए हैं, इसका यूज़ करना आप, ठीक है। फिर बाद में प्राइसेस बढ़ जाएंगी, फिर मुझे भी बुरा लगता है कि यार यार बच्चा सेम चीज़ ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, राइट। तो आप इसको 21 अक्टूबर तक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। 4-5 किताबें बताइए, एच सी वर्मा, पी बहादुर, ए दास गुप्ता, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूस और कोचिंग की किताब, भाई राइट। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कौन सी चीज़ रखनी है, सबसे पहले प्रायोरिटी पे कोचिंग रखनी है, फिर एनसीईआरटी रखनी है और पीवाईक्यू रखना है, ठीक है। उसके बाद टाइम मिल रहा है तो एच सी वर्मा पे जाना, उसके बाद टाइम मिल रहा है तो ए दास गुप्ता पे जाना, उसके बाद टाइम मिल रहा है तो पी बहादुर पे जाना। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मैथ्स, और इवन फिजिकल भी, इनमें कोई भी बुक थ्योरी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब बकवास है, एनसीईआरटी प्लस कोचिंग कर लेना बस, क्योंकि इन किताबों में थ्योरी तुम्हें मिलने ही नहीं वाली है। जिस प्रकार की थ्योरी चाहिए ना जेई एडवांस के लिए, जेई मेन के लिए, उस तरह की थ्योरी कोई बुक ऑथर लिखता ही नहीं है, केवल कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वही चाहिए। तो नोट्स अच्छे बनाओ, दैट इज इनफ थ्योरी, ओके। तो आई होप पसंद आई हो ये चीज़ तुम्हें, गुड लक फॉर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सारे लिंक विंक सब नीचे दिए हुए, चेक कर लेना, ठीक है, बाय।